सब्सक्राइब करें टेक गुप्ता चैनल को और दबाएं इस घंटे को ताकि आप देख सकें टेक्निकल और सीएससी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं अमर और फिर से आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूं आधार रिलेटेड। दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है या फिर आप आधार कार्ड बनाते हैं, जैसे कि अगर आप एक VLE आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अंत तक का देखना चाहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि आधार कार्ड का कहर मतलब UIDAI का कहर दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, और UIDAI ने रिसेंटली एक बड़ा अपडेट कर दिया है, एक बड़ा बदलाव कर दिया है जो आपके लिए फायदेमंद तो बोला नहीं जा सकता है। चलिए आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम अपने UIDAI की साइट पे। दोस्तों, हम UIDAI की ऑफिशियल साइट पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, UIDAI की ऑफिशियल साइट पे UIDAI.gov.in। दोस्तों, इस पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट लिखा मिलता है, तो हम आपको वो बता देते हैं कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे हम बैक कर रहे हैं, इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि आधार कार्ड पे अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता था, तो यहाँ पे UIDAI.gov.in के साइड पे आके आप अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना डिटेल्स को अपडेट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अब लिखा गया है, दोस्तों अब ऐसा कोई भी बात नहीं है, आप आधार कार्ड पे सिर्फ अपना एड्रेस ही चेंज कर पाएंगे, जैसा कि UIDAI का कहना है। तो दोस्तों, ये एक तरह से आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया जा रहा है। पहले तो UIDAI ने सभी आधार सेंटर को बंद कर दिया, आधार इनरोलमेंट सेंटर 90% क्लोज कर दी गई हैं, 10% सेंटर वर्किंग में है, क्योंकि वो भी बंद ही कर दिया गया है, वो पता है कि नहीं चालू है या नहीं वो भी नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि आप ओनली अपना एड्रेस ही अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना बाकी डिटेल्स, ईमेल वगैरह कुछ नहीं अपडेट कर सकते हैं। Now you can update only address। तो दोस्तों, ये एक बात हमें समझ से बाहर हो गई। एक तो UIDAI ने सभी ऑपरेटर सुपरवाइजर VLE को बंद कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दी, और हर एक गांव से आधार का काम छीन लिया। तो मतलब पहले लोगों को बेरोजगार कर देना, उसके बाद आम जनता की मुश्किलों को बढ़ा देना। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है आधार की अनिवार्यता क्या है, हर एक सेक्टर में, हर एक काम में, हर जगह पे आपको आधार की जरूरत होती है। और दोस्तों, पहले ही ये था कि अगर आपका नंबर अपडेट है तो यहाँ से आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे तो सब कुछ हटा दिया गया है, ना ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन, ना ही आप अपना नाम बदल सकते हैं, और सिर्फ आप अपना एड्रेस ही बदल पाएंगे। तो दोस्तों, ये आप हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, UIDAI सोच क्या रही है, UIDAI क्या कर रही है, मेरे तो समझ से परे हो गई ये बात। अगर आपके समझ में आता है तो आप हमें कमेंट के जरिए बताएं। और दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर और VLE के लिए, कि दोस्तों आप सभी लोगों को ब्लैकलिस्ट तो कर ही दिया गया है, और आप लोगों को ब्लैकलिस्ट करने का कारण ये है कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट ऑथोराइज्ड कंपनी आधार का काम उपलब्ध करवाती थी, वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। तो UIDAI अगर उनको ब्लैकलिस्ट कर देती, उनको सिर्फ बंद कर देती, तो वहां पे UIDAI पे प्रॉब्लम आ जाती, क्लेम हो जाता। इसी वजह से UIDAI ने सारे ऑपरेटर सुपरवाइजर और VLE को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया। चलिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, अगर आप CSC VLE हैं, हो सकता है तो आपको आधार कार्ड का काम मिल जाएगा, आप आधार इनरोलमेंट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप नॉर्मल जनता हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपको कुछ भी अपडेशन करवाना है, कुछ भी बदलाव करवाना है, आपको परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर पे विजिट करना होगा, और आप देख लीजिए आपके एरिया में कौन सा इनरोलमेंट सेंटर कार्य कर रहा है, वहां से जाके आप अपडेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने माध्यम से अपडेट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना एड्रेस ही अपडेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज था आधार जिनके पास है उनके लिए, और जो आधार का काम करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर मिलना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो UIDAI को ये पता चलेगा कि वो जो कर रही है वो सरासर गलत है, और ये अपडेट का काम यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लोगों को बहुत सारी जरूरत होती है, कभी कभी नाम अपडेट करना पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना पड़ता है।
तो उनके लिए उनको अब जिला जाना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा और वहां पे उनको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में अभी आपको दिखा दिया था कि आम जनता को कितना प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों अगर आप आम जनता है या ऑपरेटर या वीएलई है तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो की सच्चाई पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमें कमेंट के जरिए बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आधार का काम पूरी तरह से आपसे छीन लिया गया है और यहाँ पे अपडेट करने का भी बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों मिला जुला के आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर आप टेक गुप्ता चैनल पे नए हैं हो सके तो हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।